माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर, ये बात सच है रसगुल्लों कि भाई माही मंदिर है। आप कहीं भी रहो, कुछ भी करो, कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन जो सुकून है वो माँ के पास आकर के ही मिलता है, माँ के चरणों में ही मिलता है। आप घर से कहीं बाहर रहो आओ, लेकिन सबसे पहला घर में आपके मुंह से जो शब्द निकलेगा कि भाई माँ कहाँ है, और जब माँ को देख लेते हो तो दिल को एक सुकून सा मिलता है ना। बात सच है। तो चलिए रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में माँ के लिए ही एक बहुत ही मजेदार टॉपिक को आज हम देखने वाले हैं। आज हम बच्चों देखेंगे माई मदर एट 66। इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे लिखना है, और शायद बोर्ड एग्जाम वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई ये टॉपिक क्या है, माँ के लिए है। उनको भी मालूम है कि माँ का दर्जा बहुत ऊंचा होता है, इसलिए ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में मान के चलिए बच्चों 100% श्योर है। हर एक चीज की संभावना चलती है, बट इसकी कोई संभावना नहीं, ये बच्चों आपका फिक्स होता है। इसलिए इसको अच्छे से आज हम सीख लेते हैं कि कैसे आपको लिखना है। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक होते हैं, बहुत सारी किताबें भाई उनमें डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, तो बच्चों को याद करने में समस्या होती है। लेकिन आज के इस वीडियो में अपने रसगुल्लों के लिए हम बेहद सरल तरीके से सेंट्रल आइडिया लिखना बताएंगे, कैसे लिखा जाता है, क्योंकि ये सब जो होते हैं फिक्स होते हैं। आप याद कर लीजिए, 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा और इनके नंबर फिक्स होते, समझ लीजिए बस थोड़ा सा मेहनत किए नंबर मिल गया। देखिए बच्चों, सबसे पहले इस थोड़ा कहानी को समझ लीजिए कि माई मदर एट 66, यानी इसमें जो लेखिका होती है उनकी मां, यानी वो माई मदर एट 66, वो बताती है कि मेरी मां क्या है 66 ईयर्स ओल्ड, यानी 66 वर्ष की हो चुकी हैं और बूढ़ी हो चुकी हैं। वो क्या करती हैं, घर से क्या कोचीन एयरपोर्ट के लिए अपने मां को लेकर के जाती हैं एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए, और रास्ते में ही सारी गतिविधियां होती है, अपने मां की तरफ देखती हैं, चेहरे में झुर्री पड़ गई है, एकदम बूढ़ी हो चुकी हैं, यानी उनको अब महसूस हो जाता है कि भाई अब वो क्या जल्द ही गुजर जाएंगी। उनको हर्ट होता है, दुख होता है भाई, जाहिर सी बात है बच्चों, कोई भी हो, किसी के भी साथ हो भाई, क्या है हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे मम्मी पापा वैसे रहें, लेकिन भाई क्या है, ये कुदरत का जो करिश्मा है ना, जो साइकिल है, चक्र है, चलता रहेगा, सब बूढ़े होंगे, सबको एक दिन जाना है। तो उसमें यही चीज है, ये दर्शाया गया कि माँ के प्रति वो उनके अंदर कितना लगाव है, ठीक, क्या दर्द महसूस करती हैं, क्या उनके अंदर प्रतिक्रियाएं चलती हैं, उन सारी चीजों का जिक्र किया गया है। और सेंट्रल आइडिया बोले तो केंद्रीय भाव, उसमें वही चीज लिखा भी जाता है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों कैसे आपको लिखना है, और बेहद इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल देते हैं, इसको बिल्कुल आप इग्नोर मत करना बच्चों, अब टाइम नहीं है, एक एक चीज को एकदम बढ़िया से तैयार करके अब हमें क्या करना, दिमाग में रख लेना है, नहीं बोर्ड एग्जाम में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। देखिए लिखेंगे कैसे रसगुल्लों, ध्यान से समझना है। तो चलिए हम देख लेते हैं रसगुल्लों कैसे आपको लिखना है ताकि अच्छे नंबर आपको मिल जाएं। हम लिखेंगे बच्चों कि द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास, कि जो कविता माई मदर एट 66 है वो क्या है, कमला दास जी के द्वारा कंपोज्ड है, यानी रचित है, ठीक, यानी माई मदर एट 66 जो कविता है इसकी रचना किसने किया है बच्चों, कमला दास जी ने। आगे लिखेंगे कि दिस पोयम शोज द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, कि ये जो कविता है उनके मां से बिछड़ने का दर्द दिखाता है, ठीक है ना, मतलब सॉरी भय को दिखाता है, फियर है ना, भय को, यानी ये जो कविता है उनकी मां के बिछड़ने के भय को दिखाता है, ठीक है, यानी इस कविता में हमें ये दिखाई पड़ेगा, यानी ये कविता हमें ये बताता है कि भाई मां से बिछड़ने पर का डर क्या होता है, वही चीज हमको इस कविता में दिखाया गया है, ठीक है ना, वही चीज कह रहा है कि दिस पोयम शोज द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, कि ये कविता उनके मां के बिछड़ने का जो भय है या डर है उसको दिखाता है। आगे लिखेंगे हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, कि जो उनकी मां है ना, कि हर मदर उनकी माता जी है जो इस इन द लास्ट स्टेज, यानी अंतिम पड़ाव पर हैं
ऑफ हर लाइफ अपने जीवन के, यानी उनकी जो माता जी हैं वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, कहने का मतलब मृत्यु के निकट हैं। ठीक, आगे लिखेंगे कि सो द पोएटेस फील, इसलिए जो कवित्री हैं वो महसूस करती हैं दैट हर मदर विल पास अवे सून, इसलिए क्या है कवित्री महसूस करती हैं कि उनकी माँ अब जल्द ही गुजर जाएंगी, पास अवे यानी गुजरना, ठीक है ना। वही कह रहा है कि सो द पोएटेस फील्स, इसलिए कवित्री महसूस करती हैं दैट हर मदर विल पास अवे सून, कि उनकी माँ जल्द ही क्या है गुजर जाएंगी। फिर आगे लिखेगा कि पोएटेस गेट स्केयर्ड, और कवित्री डर जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं ऑफ दिस थॉट, इन ख्यालों से, यानी जो कवित्री होती हैं इस ख्याल से बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं। भाई जाहिर सी बात है अगर माँ से बिछड़ने का सोच भी लो तो रूह क्या है, रूह कांप जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुरंत ही आप अंदर से स्केयर हो जाओगे, बहुत ज्यादा डर जाओगे। तो वही चीज में बोल रहा है बच्चों कि पोएटेस गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, कि कवित्री इस विचार से बहुत ही ज्यादा मतलब स्केयर्ड, भयभीत हो जाती हैं। आगे लिखेंगे टू कम आउट ऑफ दिस थॉट, यानी इस ख्याल से बाहर निकल करके, ठीक है, इस ख्याल से बाहर आ करके सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, वो कार के बाहर देखती हैं, यानी जब इन ख्यालों से निकलती हैं, भाई वो जो सोच रहे होती हैं कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई हैं अब जल्द ही गुजर जाएंगी, मतलब अंदर अंदर ही बात सोचकर डर जाती हैं, लेकिन जल्द ही इन ख्यालों से बाहर मतलब आकर के वो बाहर का नजारा देखने लगती हैं कार से। ठीक वही चीज कह रहा है कि टू कम आउट ऑफ दिस थॉट, यानी इन ख्यालों से बाहर निकल करके सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, उन्होंने कार से बाहर देखा, किसने, कवित्री ने। फिर आगे कह रहा कि द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय एंड एक्टिविटी, कह रहा है कि द वर्ल्ड यानी जो संसार था ना, करा आउटसाइड यानी बाहर का जो नजारा था या बाहर का जो संसार था, वाज फुल ऑफ जॉय एंड एक्टिविटी, वो खुशियों और हलचल यानी चहल पहल से भरा हुआ था, यानी बाहर जब उन्होंने देखा तो चारों तरफ खुशी का माहौल था, चहल पहल थी, मतलब हलचल थी। ठीक आगे कह रहा कि द यंग ट्रीज कह रहा सीम्ड रनिंग फास्ट, जो मतलब छोटे छोटे पेड़ थे वो तेजी से दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। देखिए जाहिर सी बात, आप जब वाहन से जाते हैं ना, बाहर से आप देखेंगे ना तो पूरा क्या एटमोसफेयर ऐसा लगेगा भाई घूम रहा है, पेड़ पौधे से नाचते हुए दिखाई देते हैं, है ना, होता है ऐसा। वही चीज कह रहा है कि द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, जो पेड़ पौधे थे वो क्या है मतलब तेजी से घूमते हुए प्रतीत हो रहे थे, एंड चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, और बच्चे थे यानी जो बच्चे आसपास खेल रहे थे वो बहुत ही खुशी दिखाई पड़ रहे थे। एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर पहुंच करके कह रहा है कि सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, उन्होंने फिर से अपने माँ की तरफ देखा, जब यानी एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है कवित्री तो वहां पर फिर से वो अपने माँ की तरफ देखती हैं, कह रहा है कि सी फेल्ट पेन्ड, मतलब उन्होंने दर्द महसूस किया टू लुक, देख करके एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, कह रहा है कि सी फेल्ट पेन्ड, कह रहा है कि टू लुक एट द कलरलेस, मतलब क्या है मतलब बिना कलर का, ठीक है ना, यानी रंगहीन, जिसका कोई रंग ना हो, रंग उड़ गया हो। एंड पेल फेस का मतलब होता है पीले पड़े, मतलब वो क्या करती हैं कि जब वो कहां पर पहुंचती हैं एयरपोर्ट पर, तो फिर से अपने माँ की तरफ देखती हैं, तो उन्होंने वही कहा गया है कि सी फेल्ट पेन, उन्होंने दर्द महसूस किया अपने माँ के, मतलब अपने माँ के पीले पड़े हुए और बेजान चेहरे को देख करके, यानी अपने माँ के पीले पड़े हुए और बेजान चेहरे को देख करके उन्हें क्या है दर्द महसूस हुआ, यानी उन्होंने क्या है दर्द को फील किया। आगे कह रहा है कि बट हाइडिंग हर टीयर्स, लेकिन अपने आंसू को छिपाते हुए कह रहा है कि द पोएटेस सेड, कवित्री ने कहा, भाई जाहिर सी बात है सोचने लगती हैं अपनी माँ के बारे में, तो एकदम क्या है वो बुजुर्ग हैं, अब शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है एकदम, मतलब अब क्या है लास्ट स्टेज में है, जब ऐसा सोचने लगती हैं तो क्या है उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन अपने आंसुओं को छिपाते हुए, वही कह रहा बट हाइडिंग हर टीयर्स, लेकिन अपने आंसुओं को छिपाते हुए द पोएटेस सेड, कवित्री ने कहा, क्या कहा, कि सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हम जल्द ही फिर मिलेंगे,
कह रहा सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हम जल्द मतलब फिर से हम जल्दी ही मिलेंगे, ये बात बोलती हैं। तो ये रहा बच्चों क्या है सेंट्रल आइडिया, ठीक, किस चैप्टर का, माई मदर एट 66। इस तरह से आपको लिखना है, कोई काट पीट नहीं करना है, बहुत ही मजेदार बच्चों सेंट्रल आइडिया है। अगर ऐसे आप लिखेंगे रसगुल्लों तो डेफिनेटली आपको पूरे नंबर मिलेंगे और आप बहुत ही आसानी से इसको अच्छे से तैयार कर भी सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन वर्ड्स का इस्तेमाल हमने कहीं पर नहीं किया, छोटे छोटे टेंस को हमने क्या अपने तरीके से बनाया है जोड़ करके, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो भाई आज के वीडियो में कम से कम माँ के नाम से ही एक लाइक कर देना, और देखते हैं कि माँ के नाम से कितने लाइक मिलते हैं और कितने कॉमेंट मिलते हैं। तो मिलते हैं किसी और उम्मीदवार वीडियो के साथ, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ इसको स्क्रीन शॉट कर लीजिए।